मतलब कितनी टाइट हो रखी है। अभी यहीं पे मैंने एंड किया था, उसके बाद गई चाय वाय पी चुकी हूँ, किचन थोड़ी संभाल के आई हूँ। विनीता आ गई थी, उससे सारी सफाई करवाई है, और कल बताया था ना मैं भूल जाऊँगी, नहीं मेरे को याद आ गया था, मैंने उसको याद से बोला, और फिर वही वही बोल रही थी नहीं नहीं भाभी मैंने लगाया था। मैंने कहा झूठ मत बोल, क्योंकि मैंने खुद वहाँ से झाड़ू लगा के दोबारा से पोछा लगाया, तो झूठ मत बोल, हंसने लगते। मैंने कहा तुम मतलब तुम बाकी लोगों जैसा काम मत कर, नहीं तो फिर मैं भी बुढ़ी औरतों की तरह डंडी लेके तेरे पीछे पीछे चलना शुरू कर दूँगी कि विनीता यहाँ से कर यहाँ से कर, अच्छे से किया कर, काम करना है तो। क्योंकि देखो भाई तुम्हें ही करना है, आज भी गंद तुम ही छोड़ के जाओगे, कल भी तुम्हें ही उठाना है, तो ढंग से ही कर लो एक ही बार। अब मैं बनाने लगी थी गोभी आलू के पराठे, क्योंकि अब सब्ज़ी तो कोई खाएगा नहीं, तो वो गोभी आलू मैश करके वो पराठों में फिल करके बनाते हैं हम, मेथी आलू ये सब तो सब्ज़ियाँ बच जाती हैं, इनके तो पराठे बन ही सकते हैं। तो मैं वो बनाने जा रही थी, पर पापा को चिकन चावल खाने थे, तो अब वो चिकन चावल खा रहे हैं। मैं अभी अपना काम करके आ गई किचन से, देसी घी बनाया था जो दो दिन से रुल रहा था, कभी कढ़ाई इधर कभी कढ़ाई उधर, तो अभी मैं वो नए डब्बे में पलट के आई हूँ, क्योंकि गणपति के लिए अब मैं एक डब्बा भर रही हूँ। देसी घी जो अब बनेगा वो सारा चौक में जाएगा, क्योंकि घर के लिए तो अभी 1.5 किलो बड़े डब्बे वाला घी मैंने लगा लिया कल, तो वो पूरा लग जाएगा। और वो जो 4-5 महीने पहले अवतार का एक पे एक वाला आया था, वो अब ख़त्म हुआ, वो कल डब्बा पूरा खाली हो गया। तो फिर जो अंदर मैंने इकट्ठा करके रखा हुआ था 1.5 किलो घी, वो मैंने अब निकाल लिया है। और अब जो है ये जो अब मैं निकाल रही हूँ, ये गणपति के टाइम के लिए पूजा के लिए निकाल रही हूँ। तो बस वो डब्बा मैं अभी पलट के कढ़ाई वढ़ाई हटा के किचन साफ़ करके आई हूँ, तो बनाती हूँ पराठे, बट वो चिकन चावल खा रही हूँ, वो गर्म कर रहे हैं अपना चिकन चावल, वो कर लेंगे। तो उसके बाद मैं सभी से पूछती हूँ कि उसको क्या खाना है, वो भी चिकन चावल ही खाएगा, या तो फिर अगर गोभी के पराठे खाएगा तो फिर मैं गोभी के पराठे बनाऊँगी, गोभी के नहीं गोभी आलू की सब्ज़ी के। वो मोस्टली ये और दिया ज़्यादा खुश होकर खाता, सैनी इतना खुश होकर नहीं खाता, तो पूछना पड़ेगा कि खाना है कि नहीं खाना। मेरा अभी कुछ मन नहीं कर रहा, बस मैं कपड़े जो बाहर पड़े हैं वो सुखाती हूँ, सूखे जो हैं वो तह लगाती हूँ, और उसके बाद मैं नहा के आती हूँ। नहाने के बाद ना आधी सुस्ती और बीमारी जो है ना उड़ जाती है। चलिए आते हैं थोड़ी देर। आज तो मुझे लगता है मैं सारा वीडियो जो है ना लेटे लेटे ही बनाने वाली हूँ। अभी बस आई हूँ, जो कल के कपड़े थे वो सुखाए, नई मशीन लगाई, मशीन में पता नहीं क्या दिक्कत हो रही थी, पानी नहीं जा रहा था, फिर वो ठीक किया, किचन संभाली, क्योंकि वो करके जाती है ना विनीता, उसके बाद जब किचन में कोई काम करता है ना तो वो क्लीन साथ के साथ ना करो ना, अभी बिल्कुल कॉकरोच नहीं है, मैं कोई कीड़ा मकोड़ा कुछ भी नहीं है, वो भी नहीं है, कीड़ी भी नहीं है मेरे किचन में। पर अगर किचन की सफाई पे ध्यान नहीं दिया ना तो कॉकरोच कीड़ी मकोड़े सब आना शुरू हो जाएंगे, बरसात का सीज़न वैसे ही है। तो साथ के साथ किचन साफ़ करके आई, नहा के बाथरूम धो के बैल्कनी धो के, क्योंकि आपको बताया ना विनीता कई बार कन्नी काट जाती है, तो ये सब करके सारी डस्टिंग करके अब आई हूँ, पूरा सिर गीला। बट मैं अभी खोल नहीं रही क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि खाना बना लूँ, 4:45 हो गए हैं, लेट उठी थी तो सब लेट ही होता जा रहा, तो 4:45 हो गए हैं, तो सोच रही हूँ कि कुछ खा लूँ, देखती हूँ जाती हूँ क्या बनाऊँ, क्योंकि उन लोग सब ने तो चिकन चावल खा लिया, तो मैं अपना देखती हूँ कि मैं क्या खाऊँगी। अलग अलग हो जाता है ना सबका, किसी को कुछ खाना किसी को, मैं चिकन खा लेती थी तब तो ठीक था, बट अब मैं चिकन नहीं खाती ना, तो फिर मुझे अपना अलग सोचना पड़ता है। चलो जी 5 बज गए हैं, अरे बाप रे बाप, आज तो बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया ना, रात को भी मैंने शायद 9:30 बजे खा लिया था, आज तो कुछ ज़्यादा ही लंबी फास्टिंग होगी मेरी। चलिए यार, उठने का मन ही नहीं करता, पर बाहर से मंगा के खाना नहीं है क्योंकि पेट की हालत फिर ख़राब हो जाएगी, नहीं तो चलो अंडे भी नहीं है ना, मेरा मन कर रहा है ऑमलेट ब्रेड खाने का, पर अंडे नहीं है, और सैमी फिर सो गए, खा के फिर सो गए, बल्कि पूरी थकावट निकाले का, कल पूरा दिन खेल के आया ना, रात को आके कर मम्मी यहाँ दर्द हो रही है, मम्मी यहाँ दर्द हो रही है, मम्मी कमर में दर्द हो रही है, मम्मी टांगे दर्द हो रही है, मैंने कहा और खींचो अपने आपको पूरा दिन, अब पूरा आराम करेगा सारा दिन, जाओ चलो। सेम कल से यही खा रही हूँ मैं, गोभी आलू बनाए थे, बस सैमी ने जो बाहर खाए खाए, घर में तो आके नहीं खाए, उसके बाद से अब मैं ही ख़त्म कर रही हूँ, अभी इससे भी ज़्यादा अभी भी बचे हुए हैं, क्योंकि किसी ने भी नहीं खाए। तो पराठे ले आई हूँ, साथ में अचार लाई हूँ, बहुत मन कर रहा था, और लस्सी बनाई है आज मैंने, क्योंकि दही थोड़ा सा था ना, खाने में काम आता ना, वैसे रखने का था, तो मैंने लस्सी बना दी उसकी, नमकीन लस्सी, नमक और भुना जीरा डाल के, ओह हो मस्त। फिर आटा ख़त्म, और फिर एक बार, वैसे तो मैं अकेली रहती हूँ बट अभी मैं फिर घर में अकेली हूँ, यार हद हो गई, ये राखी वाले दिन का नारियल है सैमी का, और मैं 3 दिन से बाहर रखा हुआ है, तोड़ दो तोड़ दो तोड़ दो, सैमी को भी बोल दिया, उसके पापा को भी बोल दिया, दोनों में से कोई नहीं तोड़ के दे रहा, बच्चे दोनों गए हैं अभी अभी लूना को लेके नहलाने के लिए, भाई साहब ये कपड़े नहीं संभलेंगे कभी भी, वो देखो ये सैमी के कपड़े हैं, और अभी ऑर्डर रखे जो उसमें दिया के भी कपड़े हैं, और 2 पार्सल भी दिया के हैं, चेक भी नहीं किए होंगे उसने, देखो खोले भी नहीं अभी तक,
हालत देखो कमरे की। और ये 4 दिन हो गए ये डॉग फूड आया हुआ है, वो डब्बा भी इसके साथ आया है, इसमें पलटना है। किचन तो करके वो साफ, जब सबके मुंह इधर उधर खिसके हुए हो ना तो ये नहीं समझ आता कि कॉमन चीज़ बनाई क्या जाए, क्योंकि मैं एक चीज़ बना सकती हूँ आज की डेट में, मैं अलग अलग फरमाइशें नहीं पूरी कर सकती। तो छुट्टी वाले दिन सबसे ज़्यादा स्यापा होता है कि क्या बनाऊँ। पापा का कुछ और मूड होता है, दिया का कुछ और मूड होता है, और फिर अब देख लो कल मैंने गोभी आलू बनाए, सैमी ने खाए या मैंने खाए, आज भी मैंने और सैमी ने ही खाए, ना पापा ने मुंह लगाए ना दिया ने अभी तक। दिया ने तो खैर अभी तो कुछ खाया ही नहीं शायद, सुबह से अब उठी है तो अब उठ के शायद उसने चिकन चावल ही खाए, वो गोभी आलू एज इट इज़ पड़े हुए हैं। अभी कल का दिन भी अगर मुझे खाने हो तो कल का दिन भी मेरे को सब्जी बनाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे लिए इतने गोभी आलू हैं, जबकि छोटे छोटे 2 फूल थे गोभी के और 5 आलू डाले थे मीडियम, कितने मीडियम मीडियम साइज़ के, ख़त्म नहीं होके दे रही सब्ज़ी, और अब नई सब्ज़ी और बना दूँ, इसलिए मैं अभी वेट कर रही हूँ भैया आ जाएँ बता दें क्या खाएँगे, कॉमनली एक चीज़ क्या खानी है वो मैं उस हिसाब से बनाऊँगी, फिर जो खा लें और ख़त्म हो जाए, क्योंकि मैं बना बना के ढेर लगा दूँगी फ्रिज में। अभी भी फ्रिज में जो परसों पापा ने पुलाव बनाया था उसका एक डोंगा भर के पड़ा हुआ है, उससे पहले उस दिन मैंने कौन सी सब्ज़ी बनाई थी उसके साथ चावल बनाए थे, वो चावल का एक डोंगा अभी पड़ा हुआ है फ्रिज में, फिर भी पापा ने कल चिकन के साथ फ्रेश चावल बनाए 2 गिलास, अभी वो भी नहीं ख़त्म हुए, वो भी अभी कढ़ाई अंदर पड़ी हुई है उसमें भी चावल है, मतलब 3 बर्तनों में सिर्फ चावल ही चावल है। अब वो पुराने वाले चावल या तो मैं फेंक दूँगी, क्या करूँ कब तक रखे रखूँ, पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाता है यार, मेरे को तो संडे पसंद ही नहीं रहा, आना ही नहीं चाहिए हफ्ते में संडे, मतलब एक होता था ना टाइम पे हम वेट करते थे कि पूरी फैमिली कब एक साथ होगी, सच में कह रही हूँ कोविड वाला टाइम याद करके मुझे ऐसा लगता है कि यार हम ऐसे भी रह सकते थे, हम कभी रह ही नहीं पाए क्योंकि हम लोग पहले तो देखो नौकरियों की वजह से परेशान थे, फिर उसके बाद नौकरी के साथ टाइम ही इतना नहीं मिलता था, भगदड़ भगदड़ मची रहती थी, सुबह उठो भागो 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 भागो, शाम को आओ भागो 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 भागो, मतलब बैठने की भी फुर्सत नहीं होती थी, इतना इतना अपने आप को हमने बिजी रखा हुआ था। उसके बाद मैंने बुटीक जब चलाया, उससे पहले बुटीक चलाती थी तो बुटीक में भी यही होता था कि सुबह बच्चों को स्कूल भेजा, 7:30-8 बजे मेरा कारीगर आ जाता था, 9 बजे तक बुटीक खोल लेती थी, 9 बजे टिच घर का काम खत्म करके सफाई बर्तन सब करके घर पूरा सेट करके मैं निकल जाती थी, नीचे बुटीक था मेरा, बुटीक पे चली जाती थी, फिर दोपहर को आती थी जब बच्चे स्कूल से आते थे तब, और सुबह 9 बजे में जाने से पहले खाना वाना सब प्रिपेयर करके जाती थी कि दिन में बच्चे आएंगे तो तब मेरे को भागा दौड़ी ना हो। कैसी सी हो गई है ना लाइफ यार, ये कभी नहीं सोचा था कि मेरी लाइफ इतनी बोर हो जाएगी एक टाइम पे आके। ये तो शुक्र है भगवान का कि मैं आप में से कुछ लोगों से बात कर लेती हूँ, आप लोगों का एक ज़रिया मुझे मिल गया है, नहीं तो मैं तो सच्ची कह रही हूँ मैं तो वापस से डिप्रेशन में चली जाती, मैं 1-2 बार डिप्रेशन में पहले जा चुकी हूँ और बहुत सीवियर डिप्रेशन हुआ था मुझे, और मैं अगर ये ब्लॉगिंग ना कर रही होती ना तो मैं अभी भी डिप्रेशन में चली जाती, मैं अकेली बैठ ही नहीं सकती हूँ, मुझे कोई ना कोई चाहिए बात करने के लिए, कभी अकेली रही नहीं यार। और 13 साल तो लगातार, उससे पहले 1.5 साल बुटीक चलाया, तो मतलब लगातार लोगों के बीच में रही हूँ, कभी कोई बुटीक पे आ रहा है जा रहा है, नहीं तो कारीगरों के साथ लगी हुई हूँ, अड़ोस पड़ोस में दुकान थी तो उनके साथ लगी हुई थी, खाली अकेले बैठी ही नहीं कभी भी। चेंज चाहिए यार लाइफ में, कुछ तो करो ना आप लोग, कुछ तो हेल्प करो, थोड़ा सा मैं खुद कमाने लग जाऊंगी ना यूट्यूब से, सच बता दूँ मैं घर में रुकूंगी ही नहीं, घर में लगा दूंगी मेड, खाना बनाने की पूरा दिन टेक केयर करने की लगा के मैं तो निकल जाऊंगी, मैं तो फुल इन्जॉय करूंगी, कोई नहीं गोली खा के काम अभी भी तो करती हूँ ना, पेन किलर खाती हूँ फिर भी घर के काम करती हूँ ना, घूम भी लूँगी फिर, जब मेरे को कहीं जाने की बात आती है ना तो घर वाले शुरू हो जाते हैं, वैसे आप बीमार रहते हो, वैसे आपको ये होता रहता है, वैसे आपको वो होता रहता है, घूमोगे क्या आप, तो गोली खा के ही तो काम करती हूँ घर के, गोली खा के घूम भी लूँगी, कम से कम मेंटली अपने आप को रिफ्रेश तो कर पाऊँगी ना, कर दो यार प्लीज़ कर दो, जल्दी जल्दी कर दो, फिर अपन घूमा करेंगे, आप मुझे बताना कहाँ जाना चाहिए, सोलो ट्रिप लेडीज़ के लिए कौन कौन से अच्छे होंगे मुझे बताना, फिर मैं घूम घूम के आया करूँगी आपको दिखाऊँगी, और अगर हो सका ना ऐसे करेंगे, अगर मतलब मेरे पास ठीक ठाक पैसे आ गए, मैं अफोर्ड कर सकी किसी एक का खर्चा, तो मैं आप लोगों में से किसी एक को अपने साथ लेके जाया करूँगी, क्योंकि मेरा और तो कोई है नहीं सहारा साथ, जो इक्का दुक्का फ्रेंड्स हैं वो एक तो आधी उम्र की है मेरे से, और फिर उनकी भी पर्सनल लाइफ है यार, उनको मैं कितना टॉर्चर करूँ कि नहीं मेरे साथ चलो, मैं बुटिया के साथ जाके वो करेंगे क्या, तो आप में से किसी को लेके जाया करूँगी। डबी राइट जी आप चलोगे ना मेरे साथ, और आजकल आप मैसेज भी नहीं कर रहे हो, व्हाट्सअप भी नहीं कर रहे हो, मॉर्निंग का फ्लावर भी नहीं दिखा रहे मुझे, अब तो बारिशों में तो कितने सुंदर सुंदर फूल आ रहे होंगे आपकी रूफ पे, एक फ़ोटो नहीं भेज रहे आजकल आप मुझे, ठीक तो हो, आज व्हाट्सअप करती हूँ आप, कल सुबह व्हाट्सअप करूँगी मैं आपको, और कौन पूजा बख्शी जी उनको लेके जाऊंगी, और हरप्रीत जी को लेके जाऊंगी,
बनाएंगे यार, ऐसे प्रोग्राम बनाएंगे, रास्ते में कहीं एक जगह पे कॉमन जगह पे मिलेंगे और फिर दोनों की जो कॉमन जगह होगी वहाँ से रूट बनाएंगे जहाँ भी तीसरी जगह हमें जाना है घूमने, है ना। कितना अच्छा आइडिया है ना। काश काश जल्दी जल्दी मेरी अर्निंग शुरू हो जाए, मज़ा आ जाएगा, फिर बनाएंगे प्रोग्राम। और सच्ची में मुझे सपोर्ट और साथ तो चाहिए ना किसी का, और आपसे बढ़िया क्या साथ होगा। आप मेरी बातें सुन भी लेते हो, समझ भी लेते हो और कितना सपोर्ट भी दिखाते हो। सही है, यही आइडिया करेंगे। बस मैं भूल ना जाऊँ, अगर मैं भूल जाऊँ तो याद करा देना, जब मेरी अर्निंग शुरू हो जाएगी ना मुझे याद करा देना, किसी एक को तो याद रहेगा, सारे मेरी तरफ भुलक्कड़ थोड़ी होंगे। चलिए बहुत देर गप्पे मार लिया, अच्छा लगा। मैं जा रही हूँ चाय बनाने, 7 बज गए। ओ बाप रे, मैंने कल भी संध्या ज्योति की, सुबह की तो मैं कर ही नहीं पाती, लेट हो जाती हूँ, तो संध्या ज्योति कर पाती थी, कल की भी नहीं की, अब आज की भी मिस हो गई, आज की भी नहीं कर पाऊँगी या कर दूँ, क्योंकि तो 7 ही बजे हैं, 7:20 हुए हैं, कर सकती हूँ मैं, ज्योत कर देती हूँ, हाथ धो के और छाए रखती हूँ। ज्योत तो जला दी मैंने किसी तरीके, ज्योत जलाते जलाते में ही चौकीदार भैया आ गए थे, 2 महीने के पैसे थे उनके। अब क्या करते हैं, 2-2, 3-3 महीने के गैप पे आते हैं, क्योंकि वहाँ पर सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी पड़ती, नीचे वालों से तो ले जाते हैं, ऊपर नहीं आते, 2-3 महीने में एक बार आते हैं। साथ के साथ मैंने कपूर की धोनी भी कर दी है, वो जो मीशो से मैंने कॉम्बो मंगवाया था, एक ये ना एक मेरे कमरे में है, बच्चों के कमरे के लिए भी मंगवाऊंगी। एक मैंने ना, मेरा जो लैंप था पहले वाला, जो एक कपूरदानी वाला लैंप था, वो ख़राब हो गया, पहले कपूरदानी ख़राब हो गई, फिर उसके बाद लैंप भी ख़राब हो गया, तो वो मैंने फेंक दिया। अब नया मैंने खाली नाइट बल्ब मंगवाया है, क्योंकि ये तो मैंने मंगाई ली थी, तो ये नहीं चाहिए थी अब मुझे खाली लैंप चाहिए था, नाइट लैंप चाहिए होता है, क्योंकि लूना मेरे पास कभी होती है या कुक होता है ना, तो अंधेरे में ना मुझे पता नहीं चलता मंगवाए दोनों, तो इसीलिए ना उनके लिए मुझे चाहिए होता है, तो वो मंगवाया है। साथ के साथ ही चौकीदार भैया आए, साथ के साथ ही जो मैंने मीशो का रिटर्न डालना था, 2 मैंने रख लिए, वो जो वीडियो आप देखोगे डेकोरेशन आइटम की, 2 रख लिए, 2 मुझे बहुत अच्छे लगे, बाकी 3 जो थे ना, 1 डिफेक्टेड था जिसमें से, और 2 जो हैं वो उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं लगी मुझे, और मेरी ज़रूरत के भी नहीं थे, मतलब पैसे वाले मुझे नहीं चाहिए थे, तो वो मैंने रिटर्न डाले थे। तो देखो आज सुबह डिलीवर हुए थे और शाम तक देखो रिटर्न भी हो गया, और अभी आधे घंटे में पैसे भी आ जाएंगे, जैसे ये भैया अपलोड करेंगे ना कि एवरीथिंग इज़ ओके आ जाएगा, उसी वक्त पैसे आ जाएंगे। तो ना एड़ी उचका के चलना पड़ रहा है, क्योंकि वो एड़ी में ना थोड़ा प्रेशर नहीं दिया जा रहा, फिर से वो यूरिक एसिड वाली प्रॉब्लम लग रही है, झटका लग जाता है। चाय रखते आ गई हूँ, अभी दूध डालना, खड़ा नहीं हो जा रहा वहाँ पे। चलो फिर पसर गई मैं, पसरे पसरे पूरा व्लॉग बना दूँगी मैं आज का। 10:30 बज गए हैं और फिर वही गोभी आलू, सैमी ने बोला मेरे लिए छोड़ दो, मैं गोभी निकाल के ले आई हूँ, मैं खा रही हूँ अपना खाना, ये खा के आ चुका है फिर भी ये खाने के चक्कर में है। पुलाव खा लो ना, तुम पुलाव डाल लो ना, सैमी इनको पुलाव डाल दे, पुलाव रखा हुआ है, वेस्ट हो रहा है, 3 डोंगों में चावल पड़े हैं। रुक जा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। और आज फरमाइश थी गोभी के पराठे बनाने की, तो गोभी तो आ चुकी है और टच वुड साफ गोभी आई है, बट पहले चाहिए चाय, चाय के बिना गाड़ी नहीं चल सकती, तो चाय रखने आई थी मैं आपसे 1/2 घंटा 1.5 घंटा पहले, पर मालमत्ता ही ख़त्म है ना, तो चाय पत्ती थी, चीनी भी ख़त्म होने वाली, बट अभी का काम चल जाता अगर चाय पत्ती होती, तो सबसे पहला काम नीचे से चाय पत्ती, दूध और चीनी, ये 3 चीज़ें मैंने मंगा ली हैं, लानी नीचे से ही होती है, पर इतना आलस है ना, अब खुद में आलस हो तो कोई बात नहीं। कौन आज तू इतनी जल्दी कैसे आ गई है? क्या हुआ? अच्छा चलो पहले मैं इससे बात करूँ। चलिए जी सब चले गए, सब हो गया, ये देखिए कमरा खाली, सेमी बैंक गया, अपना पैन कार्ड आया था तो अकाउंट रिन्यू करवाने, दिया पता नहीं कहाँ गई, मैं उठी जब दिया जा रही थी तो मैं नींद में थी, मैंने पूछा भी नहीं। भिंडी धो के मैंने रख दी है, अभी पकाम बनाऊंगी। ये दोनों दूध पी चुके हैं फिर भी मेरे आगे पीछे डोल रहे हैं कि इनको और कुछ मिल जाए, हर वक्त भूखे पड़े रहते हैं ये, हैं भौंकने के चक्कर में, डांट तो सुन ही नहीं सकते आजकल के बच्चे, चाहे कुत्ते हों या बच्चे। बस मशीन हो चुकी है, डस्टिंग वेस्टिंग सब हो चुकी है, काम रह गया सिर्फ नहाना और खाना बनाना, और अभी सिर्फ 11:30 हुए हैं,
हे राम, गर्मी गर्मी गर्मी, इतनी गर्मी इतनी गर्मी इतनी गर्मी। एक सेकंड के लिए बाहर जाओ यार, देखो कैसे सफेदी आ रही है। मेरा एक बार मन कर रहा है अब ना मैं कलर कराऊं ही ना, हुंदू सफ़ेद जितने हो रहे हैं। सफ़ेद बाल भी तो जचते हैं लोगों पे, क्या पता मुझ पर भी जच जाए। ट्राई करूँ, आप बताओ करना चाहिए कि नहीं। और प्लीज़ यार मैं जो पूछती हूँ उसका जवाब दिया करो। एक सजेशन हो जाता है ना दूसरे इंसान का तो बंदे में हिम्मत आ जाती है करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। चलिए जी, अरे बड़े दिन हो गए, रोज़ सोचती हूँ आपके कमेंट्स के जवाब दूँ, कमेंट्स के जवाब दूँ। जवाब तो क्या मतलब, शेयर करूँ कमेंट्स के हिसाब से अपनी फीलिंग शेयर करूँ। जवाब देने वाला तो कोई क्वेश्चन मेरे पास आता ही नहीं है। मेरे तो सारे अच्छे अच्छे लोग हैं, अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। और जो इस मेरी दो तीन दिन की जो क्या क्या बोलूँ उसको, डिप्रेस फीलिंग थी, जो मेरा डिप्रेशन था, उसके लिए आप लोगों ने इतने अच्छे कमेंट्स किए, इतना सपोर्ट किया। और स्पेशली वीना मैम को बोलना चाहूँगी, मैम एज अ वुमन आप जो समझते हो ना, आप जो बोल रहे हो कि उनको सुनना चाहिए, मैं ये नहीं कहूँगी उनको सुनना चाहिए, हर आदमी और हर बच्चे को सुनना चाहिए। हम भी कभी बच्चे थे, हमने भी अपने पेरेंट्स के सही गलत कई सारी चीज़ें बर्दाश्त की हैं बिना चूँ की आवाज़ की। हम भी लड़ते थे अपने माँ बाप से, ऐसा नहीं है हम नहीं लड़े, पर हम लड़के और उसके बाद उस चीज़ को वहीं ख़त्म कर देते थे। हमारे टाइम में ऐसी लड़ाइयाँ नहीं होती थी घर के घर में, हमारे टाइम में ना बाहर वाले घर वालों को कुछ बोल देते थे तो वो लड़ाई होती थी। हाँ बिंदे दी कुड़ी नू वेख्या सी, बिंदी ला के गई हुई है ऑफिस, हाई नी नौकरी कर रही है, ऐसे होते थे। वो बात रोटेट होती थी, घर तक पहुँच जाती थी किसी तरीके से, पापा को पता चल जाती थी, पापा गुस्सा हो जाते थे, ज़रूर लिपस्टिक लगा के जाना है, ज़रूर बिंदी लगा के जाना है, सिंपल नहीं जा सकती, बाल बांध के जाया कर, ऐसी चीज़ें होती थी। अब माँ बाप उस टाइम इतने इनोसेंट थे ना कि मतलब उनको ये नहीं समझ आता था कि यार बिंदी लगाना कौन सी बड़ी बात है, पत्ता पर्स में रख लूँगी, लिपस्टिक पर्स में रख लूँगी, घर से सिंपल चली जाऊँगी, वहाँ जाके भी तो लगा सकती हूँ। पर ये चीज़ें हम फेस करके आए हैं तो हमने अपने बच्चों को वो फ्रीडम दिया है कि नहीं, डू एज यू लाइक, जो आप पहनना चाहते हो, जो आप करना चाहते हो। मुझे जीन्स पहनने की परमिशन नहीं थी, मैं अपने छोटे भाई की जीन्स चोरी से पहनती थी, एक जीन्स उसकी मुझे आ जाती थी ठीक से, खुली खुली थी वो जीन्स, उसके स्कूल जाने के बाद और पापा के चले जाने के बाद। मेरे पापा ऑटो चलाते थे और मुझे बहुत प्राउड है, मेरे पापा ने सारी ज़िंदगी ऑटो चलाया है और हमें बहुत अच्छी परवरिश दिया। हाँ कमियाँ होती हैं, हर लाइफ के साथ कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, हर बच्चे को फील होता है यार मेरे पास ये नहीं है, पर उन्होंने जितना किया बहुत अच्छा किया। मेरे पापा का एक एक बंदे के बारे में सोचना, उनका एक एक चीज़, हाँ वो बहुत लग्जरी नहीं दे सकते थे, बहुत क्या थोड़ी भी लग्जरी नहीं दे सकते थे, बहुत लिमिटेड कमाते थे, रोज़ का खाना रोज़ का पीना ये सब चीज़ें वो करते थे। घर था हमारा दादा का, उसमें हम रहते थे, तो हमने अच्छी लाइफ जी है। बट हाँ ठीक है, स्ट्रगल हर लाइफ में है, आज हम थोड़े सॉलिड हैं उनसे बेटर है, फिर भी हमारे बच्चों की लाइफ में स्ट्रगल है, वो उनकी लाइफ है, जो परमात्मा ने उनकी लाइफ में लिखा है वो माँ बाप भी नहीं बदल सकते, हम चाहे कितनी कोशिश कर लें नहीं बदल सकते। तो वो स्ट्रगल वो मेहनत उनको करके ही आगे बढ़ना है, तो ठीक है हम सपोर्ट कर सकते हैं। बट आजकल के बच्चों को ना वो सपोर्ट भी जो है वो जस्टिफाइड नहीं लगता, उनको लगता है कि हम ही कर रहे हैं जो सब कर रहे हैं। मैं बात कहाँ से शुरू की थी, देखो मेरी फीलिंग्स इतनी ज़्यादा इस वक्त, मतलब ज्वार भाटा समझ आता है आपको, ज्वार भाटा जब पानी ऊपर नीचे आता है समुद्र का, वो चल रहा है। कोई भी टॉपिक निकालती हूँ वो ऐसा इधर से उधर चला जाता है ना दिमाग के अंदर। अभी कल मैंने सपना चौधरी का व्लॉग देखा, मैं बता नहीं सकती, मेरा ऐसा दिमाग घूमा है ना, ऐसा दिमाग घूमा है, ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं किसी ने ना, वो कहते हैं ना पुनर्जन्म की बातें बोल दी हैं,